नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे जमीन के नक्शे के बारे में। बिहार में जमीन से जुड़े सबसे ज्यादा मामले हैं, ऐसे में अब बिहार सरकार हर वह काज करना चाहती है जिससे कि जमीन से जुड़े मामलों की संख्या में लगातार कमी आ सके। ऐसे में अब बिहार सरकार प्रदेश के सभी जिलों में भूखंड का डिजिटल भू नक्शा स्पीड पोस्ट से आपके घर तक कम खर्च में पहुंचाने की योजना बना रही है। डाक के एक ही खर्चे में एक साथ 5 भू नक्शा मंगाने का भी प्रावधान बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भू नक्शा कॉटन के गोल कंटेनर में डालकर नक्शा को सुरक्षित घर तक भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इस बड़े साइज के नक्शा के लिए आपको मात्र ₹150 का भुगतान करना होगा। भू नक्शा के बारे में जानकारी देते हुए बिहार सर्वेक्षण कार्यालय के उप निदेशक सैयद खातून, ऑनलाइन उपलब्ध होने वाले नक्शे का ऐप जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। विभागीय स्तर पर तैयारी जोरों से चल रही है। देश के दूसरे राज्यों में रह रहे लोगों के लिए बिहार के भूखंड का नक्शा ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इधर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी ने बताया कि भू नक्शा का ऑनलाइन ऑर्डर करने पर भुगतान करने के लिए SBI के साथ बातचीत हुई है। एक नक्शा की कीमत ₹150 के अलावा स्पीड पोस्ट का खर्च ₹100 और कॉटन का कंटेनर का ₹30 अदा करना होगा। सर्वेक्षण कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एक दिन में लगभग 700 भू नक्शे की बिक्री काउंटर से हो रही है। बताया गया है कि एक ही खर्च में एक साथ में 5 नक्शे आप मंगवा सकते हैं। प्रदेश के दूर के जिलों में राजधानी पटना में नक्शा लेने आए ग्राहकों को कहा कि ऑनलाइन माध्यम से नक्शा घर बैठे मिलने से उन्हें खर्च और समय गंवाकर इतनी दूर आने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। घर बैठे लगभग ₹280 में भू नक्शा मिल जाना बेहतर और सस्ता होगा। आने जाने का खर्च, समय की बर्बादी और परेशानी के साथ ही कुछ राशि भी बच जाएगी। लोगों ने कहा कि हमें इस सुविधा का इंतजार है। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए अब दखिल खारिज की भी जमीन में नए मालिक और नाम को साथ एक साथ नक्शे के साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। यानी कि नाम और नक्शा दोनों को एक साथ ही म्यूटेशन यानी कि दखिल खारिज होगा। आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति जमीन की रजिस्ट्री करता है तो दखिल खारिज में उसका नाम, प्लॉट के नंबर के साथ ही जमीन का नक्शा भी नए रूप में तैयार किया जाएगा। इससे भविष्य में जमीन से जुड़े हुए विवादों को सुलझाया जा सकता है। राज्य में जमीन को लेकर नए सर्वे के बाद से यह प्रावधान पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इस नियम के लागू होने से जमीन के सीमांकन के साथ ही नक्शे की पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिहार सरकार इसके लिए दाखिल खारिज कानून में संशोधन करने की भी बात कह रही है। विधि विभाग के इस संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद से अब कैबिनेट के पास यह मामला जाएगा। इसके बाद से यह मानसून सत्र के विधान मंडल में इसे पारित करवाने की भी बात कही जाएगी। अब जब जमीन के दाखिल खारिज हो जाएगा उसके बाद से प्री म्यूटेशन स्केच की आवश्यकता जमीन के सभी तरह के रजिस्ट्रेशन में पड़ेगी, चाहे वह जमीन गिफ्ट का हो या फिर बदलाइन का हो यानी कि अदला बदली की गई जमीन हो, या फिर खरीद बिक्री का हो, बंटवारा का हो, पैतृक हो, कोर्ट के ऑर्डर समेत अन्य किसी भी तरह की जमीन की रजिस्ट्री हो। राज्य सरकार ने जमीन को स्केच तैयार करने के लिए जमीन सर्वेयर या फिर तीसरी पार्टी को इसकी भी छूट दे रखी है। तो ये थे जमीन से जुड़े हुए मामले जिसमें कि नक्शों को आप बहुत ही कम कीमत यानी कि ₹280 में अपने घर मंगवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब आप जमीन का दखिल खारिज करेंगे उसमें नक्शा और जो नया मालिक है उसका भी नाम प्रिंट होकर साथ में आएगा। तो जमीन को लेकर बिहार सरकार पिछले लंबे समय से सजग है और लगातार वो चाह रही है कि जमीन से जुड़े हुए मामलों में कमी लाई जाए। तो ये थे जमीन से जुड़े हुए मामले। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।